हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है अपने, और भी किसी ब्राउज़र पे जा सकते हैं, मैं क्रोम में बनाऊंगा। फिर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है FB। देखिए ऊपर आ चुका है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो फेसबुक लिखा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक अकाउंट पहले से अटैच है, उसे लॉगिन कर सकते हैं अगर जो आपका भी हो। लेकिन आपको करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक, क्योंकि नया अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर ये फेसबुक पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है और सर नेम, जो कि आपका लास्ट नेम होता है। जैसे मेरा फर्स्ट नेम हो गया जतिन और सर नेम या लास्ट नेम हो गया चौहान। ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ डेट देनी है सबसे पहले, फिर मंथ एंड लास्ट में ईयर। तो मैं डेट भर देता हूँ। मंथ एंड फिर लास्ट में ईयर, और उसके बाद करना है आपको नेक्स्ट। पहले मैं ईयर कर देता हूँ और अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर फोन नंबर, कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। और ये बिल्कुल सही फिल करना है, क्योंकि अगर जो आप अपने अकाउंट को फॉरगेट कर देते हो तो वो सही मिल जाए। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका जेंडर, अगर जो आप महिला हैं तो फीमेल और पुरुष हैं तो मेल पर क्लिक कर कर नेक्स्ट बटन को दबाना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड भरने के लिए बोल रहा है, पासवर्ड 6 करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए एंड पासवर्ड जो है स्ट्रोंग बनाना है, ताकि कोई आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। और करने के बाद आपको करना है साइन अप, जो ब्लू कलर में दिख रहा है उस पर करना है साइन अप। आपका बन चुका है फ्रेंड्स अकाउंट। अब आपको भी पूछ रहा है कि जो पासवर्ड है उसको सेव करना चाहते हो, तो आप नोट नाउ भी कर सकते हैं और ओके भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नोट नाउ कर देता हूँ अभी। फिर इसमें पूछ रहा है कन्फर्म योर अकाउंट, आपके अकाउंट को कन्फर्म करने के लिए। तो आपको बीच में जहाँ पर मोबाइल में मैसेज दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि एक OTP आएगा वो फिल करना है। आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया है इसमें उस पर ही आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और ये नीचे देखें, यहाँ मेरा मैसेज आ चुका है FB का, जो कि 5 डिजिट का एक कोड दे दिया इन्होंने। यहाँ पर फिल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब ये करते ही ये कर रहा है ओपन विद, आप ब्राउजर में भी खोल सकते हो। एंड मोर पे जाके मेरा इसमें फेसबुक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ, आप किसी भी कर सकते हैं, ब्राउजर में भी सेम प्रोसेस है। तो मैं फेसबुक में करता हूँ, जो फेसबुक लाइट मैंने इंस्टॉल कर रखा है उस पर मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स इसमें मेरा दोस्त का भी अकाउंट पहले से ही अटैच है, तो हमें यहाँ नहीं करना है, हमें करना है लॉग इन टू अनदर अकाउंट, जो हमने अभी बनाया है उसको लॉग इन करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। मैं इसमें अपना नाम करूंगा, नाम भी फिल कर सकते हैं और फिर पासवर्ड देकर लॉग इन कर देंगे। अगर जो आपको ईमेल एड्रेस अटैच करना नहीं आता, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है फेसबुक में ईमेल एड्रेस को अटैच करने के लिए, आप ऊपर लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैंने नेम कर दिया है, पासवर्ड करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉग इन करते ही फ्रेंड्स ये पूछेगा कि आपको पासवर्ड इसमें सेव करना है, ताकि बार बार आपको ना फिल करना पड़े। तो आप ओके भी कर सकते हैं और नोट नाउ भी, तो मैं नोट नाउ कर देता हूँ। अभी इसमें पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आपको अगर लगानी है ऐड ए फोटो पर क्लिक करना है। जैसे मैं इसमें करके दिखाऊंगा एक फोटो ऐड, इसमें से कोई भी फोटो आप चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, आपको जो प्रोफाइल फोटो है वो अटैच हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोफाइल फोटो बदलना सिखाऊंगा। तो ये फोटो अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स।
अब ये पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स हैं फेसबुक के, वो आप करना चाहते हैं तो आप टर्न ऑन भी कर सकते हैं। मैं स्किप करूंगा। अब आपको यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या अपने 5 दोस्तों को फ्रेंड्स बनाना है। मैं स्किप कर देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि 5 फ्रेंड एड फ्रेंड उस पर रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं बाद में कर लूंगा अपने आप। अभी मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। देखिए आपका बन चुका है, जो ये शुरू में है आपका, ये अब आप होम पे हैं। ये होम पेज है, कुछ भी इसमें आप स्टोरी भेजना चाहते हो या अपने फोटो भेजोगे तो शुरू में यहीं पर ही आएगा। कुछ भी आपके फ्रेंड्स या जो भी कोई है जो भी सेंड करेंगे वो सबसे पहले यहीं पर ही आता है अपडेट। जैसे कोविड का इसमें अपडेट दिखा रखा है। यहाँ पर है फ्रेंड, यहाँ पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट या आप किसी फ्रेंड को आप सर्च करना चाहते हो या कितने फ्रेंड्स हैं, सब चीज आपकी यहाँ पर ही दिखेगी, जो कि हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है फ्रेंड्स का। फ्रेंड थर्ड है यहाँ मैसेज, कि आप जो भी चैटिंग करोगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमने अभी नहीं करा कुछ भी क्योंकि शुरुआत हमारी। यहाँ पर आती है फेसबुक की वीडियो जो अपलोड करते हैं लोग बाग, और यहाँ पर आती है नोटिफिकेशन। कुछ भी नोटिफिकेशन, आपका बर्थडे, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, या आपने कुछ नया करा, या आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, सारी नोटिफिकेशन इस पे आएगी। अब ये लास्ट है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है, सेटिंग्स होती हैं, और आप फेसबुक बंद करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है लॉग आउट, तो लॉग आउट पर क्लिक करके आप अपनी फेसबुक को बंद कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हो, तो यस कर सकते हैं, एंड मैं इसमें नो करूंगा। आपको अपना पासवर्ड कभी भी सेव नहीं रखना चाहिए, केवल अपने मन में याद रखें। इसका फायदा ये है कि कोई भी आपके बिना आपका फेसबुक अकाउंट नहीं खोल सकता। जैसे मैं खोले दिखा देता हूँ, जैसे इस पे टैप करेंगे तो देखिए इसमें पासवर्ड मांग रहा है। तो ये पासवर्ड अगर जो आपको याद होगा तो आप खोल सकते हैं, वरना नहीं। इस चीज से आपका फेसबुक अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।